हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाव गार्डनिंग। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सम कॉमन हाउस प्लांट, या आप कह सकते हैं इंडोर प्लांट्स। तो आज की जो वीडियो है सिर्फ इंडोर प्लांट्स के ऊपर होगी कि ऐसे कौन कौन से इंडोर प्लांट्स हैं जिनको आप परचेज़ करके ला सकते हैं नर्सरियों से और आप उसे लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है, लोगों को शौक होता है पर नाम नहीं पता होता, बस देख के ही समझ पाते हैं कि हाँ ये प्लांट मुझे देखने में अच्छा लग रहा है, बट उनको नाम नहीं पता होता। तो मैं आपके साथ उनका नाम भी शेयर करूँगा, तो अगर आप जाते हैं नर्सरी में तो उसको ईज़िली आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके आगे अगर आप कहेंगे तो दूसरी जो फ्लॉरिंग प्लांट्स की है, फ्रूटिंग प्लांट्स की, मैं वीडियो आपके साथ भी शेयर कर दूंगा। तो फिलहाल आज के लिए इंडोर प्लांट्स। तो अगर बात आती है दोस्तों इंडोर प्लांट्स की, तो हम क्रोटन को कैसे मिस कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों क्रोटन प्लांट, जो कि काफ़ी एक अच्छा प्लांट माना जाता है घर में इंडोर ग्रो करने के लिए। ब्राइट लाइट पे आप इसे रख सकते हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मैंने इसको टेरेस गार्डन पे रखा है, क्योंकि कुछ दिनों से बारिशें हो रही थी तो मैंने सोचा कि इनको अभी इस जगह पर प्लेस करने से काफ़ी अच्छा इसमें कलर भी आता है, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है नेचुरल वाटर पड़ने से। तो अगर क्रोटन आप लाना चाहते हैं तो क्रोटन ज़रूर लगाइए, बहुत ही अच्छा ये प्लांट है। ब्राइट लाइट पे अगर आप रखेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से चलता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा दोस्तों एरोकेरिया की। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, आप जैसा कि देख रहे हैं इसकी ब्यूटी देखते ही बनती है। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें, इंडोर प्लांट्स की, अगर हम इसे ना रखें उसमें तो ऐसा हो नहीं सकता। आप देखिए कितना ब्यूटीफुल लगता है, छोटा सा मैंने परचेज़ करके लाया था और फिलहाल ही इसकी रिपोर्टिंग की है। तो देखिए अभी इसकी साइज़ कितनी ज़्यादा ग्रो हो गई है। ये मेरा जो प्लांट है ये 4 से 5 साल राउंड का होगा और अभी इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रही है। ये ब्राइट लाइट पर दोस्तों चलता है पर इनडायरेक्ट सनलाइट पर रहेगा तो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करता है, तो आप इसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों अपना थूजा का प्लांट, या विद्या का प्लांट भी इसे कई लोग बोलते हैं। तो ये अगर मैं कहूँ कि मोस्ट पॉपुलर प्लांट्स की लिस्ट पे आता है तो ये कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इसको काफ़ी लोग लगाना पसंद करते हैं अपने घरों पर और ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लगता है। अगर आप ग्राउंड पर इसे प्लेस कर देते हैं अपने घर के बाहर तो आप देखेंगे कि इसकी जो नॉर्मल ग्रोथ आप प्लांट में लगाते हैं ना, पॉट पे लगाते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा कई गुना हो जाती है। तो आप इसे बाहर भी लगा सकते हैं, तो ये लगाने के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है। फिर बात करूँगा दोस्तों मैं आपसे डेवल बैकबोन की। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा प्लांट है, अगर आप बिगनर हैं अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये जो सब मैं प्लांट्स दिखा रहा हूँ ना, बेसिकली उनके लोग के लिए ये है कि वो स्टार्ट कर सकते हैं और जो है डीमोटिवेट नहीं हो। अगर प्लांट ख़राब होते हैं तो आप कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो ये ऐसे प्लांट हैं अगर आप अपने घर पर ला के लगा रहे हैं नर्सरी से तो ये जल्दी से ख़राब नहीं होंगे, तो आप इसे लगा सकते हैं। तो इसमें दो वैरायटी आप देख रहे हैं आती है और एक ये वेरीगेटेड वैरायटी आती है। इसमें आजकल तो नर्सरी में आप जब जाएंगे ना तो काफ़ी पॉपुलर हो गया है प्लांट, तो और भी आपको कई सारे इसमें मिल जाते हैं अलग अलग शेप्स में, और कलर भी काफ़ी वेरीगेटेड आजकल आने लगे हैं, वेरीगेशन होता है इसमें, तो आप वो ला के लगा सकते हैं। इसकी हाइट भी दोस्तों काफ़ी अच्छी हो जाती है जब आप प्लेस करते हैं इसको कोई बड़े पॉट पे, तो ये जो है ना 5 से 6 फुट तक की हाइट पकड़ लेता है, तो आप इसको जो है लगा सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्लांट, अगर मैं आपको हार्डी प्लांट्स की बात करूँ और बिगनर्स के लिए पूछते हैं कि कई बार कौन सा सबसे अच्छा प्लांट है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप नए नए अभी गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो इस प्लांट को ज़रूर लगाइए, क्योंकि इस प्लांट को लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। किसी भी तरह की मिट्टी में चल जाता है, पानी ज़्यादा दे दे कम दे दे, ज़्यादा धूप में पड़ा है, आप इसको ऐसी जगह पर रख दिए कि ज़्यादा इसको सनलाइट भी नहीं मिलती है तो भी काफ़ी अच्छी तरीके से सर्वाइव कर लेगा। फिर भी आप इसकी केयर जो है नॉर्मल केयर कीजिए, मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप वो जाके देख सकते हैं। तो ये नर्सरी में काफ़ी इजीली अवेलेबल रहता है, काफ़ी इसका जो रेट है ना वो भी काफ़ी रिजनेबल रहता है, तो आप इसको लगा सकते हैं। देखिए मैंने इधर पर आपके सामने ये जो शेयर किया था, अपने जो ये वाटर बॉटल होती हैं उसमें पेंट करके बनाया था मैंने, उसके में ही लगा दिया है इसको, और देखिए कितने अच्छे तरीके से ये चल रहा है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा दोस्तों इस रबर प्लांट की। तो आप ये देख सकते हैं ये फाइकस की फैमिली का प्लांट है, आपके साथ इसका जो है नाम डिस्प्ले कर दूंगा इसी वीडियो पे। तो देखिए ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो पे कि जो पॉपुलर सबसे ज़्यादा प्लांट है उनके बारे में बता रहा हूँ, तो ये मोस्ट पॉपुलर प्लांट की लिस्ट में आता है, ज़्यादातर लोग इसको लगाना पसंद करते हैं। अब जो है ये काफ़ी ईजिली तौर पर आपको नर्सरी पर मिल जाता है, काफ़ी वेरीगेशन भी इसमें आ गए हैं नर्सरी पर, अवेलेबल रहते हैं अलग अलग कलर के, कोई डार्क इसमें एक ब्लैक भी आता है, थोड़ा सा ये रेडिस ब्लैक में रहता है क्योंकि इसमें जब नई ग्रोथ आती है थोड़ा सा रेड रहती है, उसकी जो वेन्स देख रहे हैं ना वो भी रेड रहती है। तो इन सब में आप कलर अपने हिसाब से देख सकते हैं, इसको अगर आप लगाते हैं इंडोर ब्राइट लाइट पे भी लगाते हैं तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से चल जाता है। तो इंडोर प्लांट्स की एक और बहुत ज़्यादा फेमस वेराइटी जिसका नाम है दोस्तों एरिका पाम।
तो पाम की दुनिया में अगर मैं बोलूँ ना, तो इसको आप किंग कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो है सबसे ज़्यादा मार्केट पे डिमांड रहती है। नर्सरी पे अगर आप जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो पाम में वैरायटी में सेलिंग होती है, सबसे ज़्यादा एरिका पाम की होती है, क्योंकि काफ़ी ऑक्सीजनल प्लांट भी है। अगर आप इसे घर पर लगाते हैं ना, कई लोग तो ये ब्यूटी के तौर पर भी, अगर आप अपने ऐसे ऑक्सीजन अगर आप लगाते हैं प्लांट अपने घर पर, कुछ ऐसे कलेक्टिव प्लांट, तो उसके लिए सबसे अच्छा चीज़ है ये। तो आप इसे अगर बड़े पॉट पर शिफ्ट करते जाएंगे इसकी ग्रोथ के हिसाब से, तो ये काफ़ी हाइट पर पकड़ता जाएगा। ग्राउंड पे लगाते हैं तो फिर ये काफ़ी एक ट्री जैसा बनने लगता है। मैं ट्री तो नहीं कहूँगा एक्चुअली, क्योंकि ये बहुत ही दिनों पे इसकी ग्रोथ होती है, थोड़ा सा स्लो ग्रो करता है, पर काफ़ी अच्छा इंडोर प्लांट है। ब्राइट लाइट पे अगर आप इसे लगते हैं, अगर आपके घर पे ग्लास वगैरह है और ऐसे क्रॉस विंडो है, एयर वेंटिलेशन बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ पे चल जाता है। थोड़ा सा आप इसको जो है वाटर का देखभाल कीजिएगा इसकी, ज़्यादा ओवर वाटरिंग्स होने से रूट रॉट बहुत जल्दी हो जाता है, तो ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। एक चीज़ मैं आपको और सजेस्ट कर देता हूँ कि आप जब भी ये सब प्लांट्स लगाएं तो टेराकोटा के प्लांट्स पे लगाना आप ज़्यादा प्रेफर करें। प्लास्टिक के पॉट पे क्या होता है कि पानी का इवेपोरेशन जल्दी से नहीं हो पाता है, और फिर वहीं वहीं पानी रहने के कारण रूट ख़राब हो जाती है, तो आप वो सब थोड़ा सा देख के करिएगा। और फिर मैं बात करूँगा दोस्तों नेक्स्ट चाइना पाम की, ऐसे आप फैन पाम भी बोल सकते हैं। तो अभी आप इसका साइज़ देख सकते हैं, आप अगर मैं आपको कंपेयर करूँ अपने हाथ दिखा के, तो कितना बड़ा है इसका, है ना, कितना बड़ा साइज़ हो गया है। तो ये छोटा सा मैंने प्लांट लिया था और अभी इसका साइज़ आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ा हो चुका है। और इसके जो पत्ते आते हैं दोस्तों, वो काफ़ी अच्छे निकलते हैं, एक साइड बाय साइड निकलते हैं एकदम। आप देख रहे होंगे पूरा कवर कर दिया इसने, टॉपियरी टाइप क्रिएट की है, तो ये देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। थोड़ा सा जब साइज़ इसकी बड़ी हो जाती है ना, तो अगर थोड़ा सा आप ऐसे ज़्यादा ऐसे आपके पास जगह नहीं है, जैसे बैल्कनी में कई लोग के पास जगह नहीं होती है, तो फिर क्या कर सकते हैं आप इसको कि ऐसी जगह प्लेस कर दीजिए जैसे आंगन वगैरह है आपका, लॉबी वगैरह एरिया है, वहाँ पर अगर आप रख देंगे तो थोड़ा सा ठंडक भी इसको मिलेगी, तो चलता रहेगा। अभी तो सारे फ़िलहाल मैंने प्लांट जो है अपने टेरेस गार्डन पर शिफ्ट किए हुए हैं, कुछ दिन बाद मैं इन्हें फिर से जो है ऐसे ब्राइट लाइट पर प्लेस कर दूँगा। तो चलिए नेक्स्ट मैं बात आपसे करूँगा दोस्तों एलोकेशिया प्लांट की, या आप इसे इजीली जो है नर्सरी में एलिफेंट ईयर के नाम से भी मांग सकते हैं इसके, क्योंकि जो साइज़ होते हैं ना बहुत बड़े होते हैं, और जैसे एलिफेंट का कान दिखता है बिल्कुल वैसे ही दिखता है, तो इसको एलोकेशिया में एलिफेंट ईयर की वैरायटी बोलते हैं। तो ये भी काफ़ी फेमस है, इसमें और भी काफ़ी एलोकेशिया के जो वैरायटीज़ आते हैं वो भी आप ले सकते हैं, जैसे ब्लैक वेलवेट वगैरह मिल जाता है तो आप वो ले सकते हैं। पर ये जो प्लांट की वैरायटी है काफ़ी हार्डी है, और आप इसे अगर इंडोर ग्रो करेंगे, इसको ब्राइट लाइट पे रखिएगा दोस्तों, अगर आप लगाते भी हैं एयर वेंटिलेशन काफ़ी अच्छे तरीके से होना चाहिए, पानी नहीं रुकना चाहिए, और ये सब चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो होता है। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें न्यू इसके जो बेबीज़ हैं निकलते रहते हैं, तो आप इसे ईज़िली जो है प्रोपेगेट कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो नेक्स्ट बात आ जाती है दोस्तों इस प्लांट की, ये काफ़ी ब्यूटीफुल प्लांट है और बॉन्जाई मटेरियल है, रेडी बॉन्जाई है, इसको बोलते हैं दोस्तों फाइकस माइक्रोकार्पा, या जिनसिंग फाइकस के नाम से भी आपको नर्सरी पे मिल जाता है। थोड़ा सा जो है इसका रेट थोड़ा सा हाई रहता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्लांट है, पर अगर आप प्लांट लवर हैं, इसको आप लगाना चाहते हैं खास करके इनडोर कंडीशन पर, तो बहुत ही अच्छे तरीके से चल जाता है। इसमें आप थोड़ा सा पानी अगर दे देते हैं, हफ्ते भर इसका पानी चल जाता है, आपको बीच बीच में थोड़ा सा चेक करते रहना है बस वेदर के अकॉर्डिंग, और ये आराम से चलता रहता है, कुछ आपसे ज़्यादा नहीं मांगता है, महीने अगर एक बार आप फर्टिलाइज कर देते हैं इसके लिए सफिशिएंट रहता है लिक्विड फर्टिलाइजर। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ दोस्तों इसमें, ये आप देख रहे हैं अरेलिया, अरेलिया भी बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, बट आप जो है इसको ब्राइट लाइट पे ग्रो करेंगे, थोड़ा सा मॉर्निंग की अगर सनलाइट इसे मिलेगी तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, या कह सकते हैं मेरे वेदर का ऐसा ही है। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट पर रख देता हूँ, डायरेक्ट सनलाइट पर भी, तो ये ग्रो नहीं कर पाता इतनी अच्छी तरीके से। इसमें जो लीव ड्रॉप की काफ़ी प्रॉब्लम आती है मेरे एरिया पर, आपके यहाँ कैसे इसका चलता है, ग्रोथ कैसी होती है, मेरे साथ कमेंट पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये भी आप प्लांट लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट बात आ जाती है दोस्तों एक वेरिएशन में बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट की, ये है फाइकस पांडा, या आप पांडा फाइकस भी बोल सकते हैं, या इसे स्टारलाइट फाइकस के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसको लेके आ सकते हैं, थोड़ा सा इसकी जो ग्रोथ है स्लो रहती है, क्योंकि ये जो वेरिएशन होने के कारण इसमें फोटोसिंथेसिस उतने अच्छे तरीके से नहीं बन पाता है, एज कम्पेयर्ड टू अदर प्लांट जिनकी जो लीव है वो काफ़ी डार्क रहती हैं। तो आप ये ले सकते हैं, या फिर आप फाइकस की और भी वेराइटी आती हैं लाइक फाइकस बेंजामिना टाइप, तो आप उसको भी लगा सकते हैं, वो भी मेरे टेरेस गार्डन पर था, मैं आपको दिखा नहीं पाया, फिर भी आप जो है अगर वो चाहें तो वो भी ले सकते हैं नर्सरी से। वेरिएशन में दोस्तों एक और ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, जिसको आप सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, या ड्रेसिना रिफ्लेक्सा के नाम से, तो ये भी काफ़ी अच्छा प्लांट होता है अगर आप इसे ब्राइट लाइट पर रखना चाहते हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इस कंडीशन पर लगा हुआ है। तो
तो ये इस कंडीशन में बहुत ही अच्छे तरीके से चल जाता है, तो आप ये भी लगा सकते हैं। तो कॉमन इंडोर प्लांट की लिस्ट में हमारा एक और बहुत पॉपुलर प्लांट आता है, इसका नाम है डफनवेकिया। तो ये भी काफ़ी सारे डिफरेंट वेरिएशन पे अवेलेबल रहता है, तो आप वो जाके ले सकते हैं। इजीली प्रोपेगेट हो जाता है, इजीली टू ग्रो प्लांट है, ऐसी ही जो है ब्राइट लाइट एरिया पे चलता है, इनडायरेक्ट सनलाइट रहे बस एरिएशन अच्छा होगा तो काफ़ी अच्छे तरीके से चलता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा सेंसेवेरिया स्नेक प्लांट। ये भी काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शन है इसके, काफ़ी सारे अलग अलग रहते हैं कलर्स में, एक येलो वेरिएटेड भी आता है, आप वो ले सकते हैं, मून शाइन आता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शन इसके मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा इंडोर प्लांट है, सबसे ज़्यादा लगाया जाने वाला इंडोर प्लांट है और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला भी इंडोर प्लांट है, तो ये भी आप ले सकते हैं। थोड़ा सा इसका प्राइस कई बार ऊपर नीचे होता है, वो वेरी करता है आपकी नर्सरी कैसी है, तो आप ये ज़रूर लगाइएगा। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा फिडेलिफिक। कॉमन इंडोर प्लांट की मैं बात करूँ और इसमें ये आए ना, ऐसा भी मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्लांट आप कह सकते हैं। फिडेलिफिक का प्लांट जो काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है और ये काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो जाता है ब्राइट लाइट पे, तो आप इंडोर में इसको आजकल लगा सकते हैं काफ़ी ईजिली तरीके से। अब ये अवेलेबल है नर्सरी में, पहले तो नहीं मिल पाता था, पर जब से मैंने नर्सरी पे इसको मंगाया है उसके बाद से जब वीडियोस लोग देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोग परचेज़ करते हैं, तो ये अब काफ़ी अच्छी बात है कि लोग अवेयर हो रहे हैं लगाने के लिए, और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रह करिए तो और अच्छे अच्छे आपको जो है कंटेंट मिलते जाएंगे। तो यही थे कुछ दोस्तों कॉमन इंडोर प्लांट्स। आई होप आपको जो है ये कॉमन इंडोर प्लांट्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक, कर दीजिएगा शेयर और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो पर किसी एक नए टॉपिक के साथ, नए प्लांट केयर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।